हम इन मजालिस को बर्पा कर रहे हैं ताकि हम अपनी अकीदत व मवद्दत का मोहब्बत का इजहार कर सकें जनाब सैयदुश्शुहदा के साथ। और ये आज़ादारी जारी रही है, जारी रहेगी और ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। जब दरबारे यजीद में ना रुक सकी तो आज इस आज़ादारी को कौन रोक सकता है? जिसने इस पे पाबंदी लगाई थी वो ना रोक सका तो यह आज़ादारी रुकने वाली नहीं है। यह आज़ादारी हमेशा बढ़ेगी। और जब सद्दाम जैसे अफराद इस आज़ादारी को ना रोक सके, बगदाद के ऐवानों में ना रुक सकी, यजीद के दरबार में ना रुक सकी, तो आज कैसे रुक सकती है? और हर घर में आज मजलिस मौजूद है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जनाब ज़ैनब कुबरा की दुआ पूरी हो गई कि घर घर में मेरे भाई की मजलिस होगी। और आज घर घर में भाई हमें जनाब ज़ैनब कुबरा के भाई की मजलिस मौजूद है। और आज़ादारी की मुखालफत करने वालों को हम बताते चलें कि जो भी आज़ादारी की मुखालफत करते हैं, याद रखें कि आज़ादारी की मुखालफत करने वाला हवाओं में फट के बिखर जाता है। ये आज़ादारी रुकती नहीं है। आज दुनिया गवाह है कि जितने भी लोगों ने आज़ादारी की मुखालफत की वो ख़त्म हो गए, आज़ादारी बाकी है। क्योंकि ये आज़ादारी जनाब सैयदुश्शुहदा से अल्लाह सुबहानहू व तआला का वादा है कि हुसैन आपका नाम बुलंद रहेगा जो भी अल्लाह की खातिर क़ुरबानी देता है।